हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनविटेशंस, जो क्लास ट्वेल्थ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके राइटिंग सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन आता है, उसमें या तो नोटिस पूछे जाते हैं, या पोस्टर पूछे जाते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट या इन्विटेशन। ये चार ऑप्शनल चीजें होती हैं और इन्हीं में से कोई दो पूछे जाते हैं और दो में से कोई आपको एक करने होते हैं। इन्विटेशंस भी करने में बहुत आसान है, यदि आप इसे समझ लें, करने का सही तरीका और ट्रिक समझ लें, तो ये आपके लिए चार नंबर प्राप्त करना यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इन्विटेशंस कितने प्रकार के होते हैं। इन्विटेशंस दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है फॉर्मल इन्विटेशंस और दूसरे टाइप के होते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस। एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं। देखिए, फॉर्मल इनविटेशन का मतलब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फॉर्मल का मतलब हुआ कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है और सारी चीजें एक पर्टिकुलर डिसाइडेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होती है। आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं स्क्रीन को, स्क्रीन पर, कि इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना होता है। अगर कोई ये ऑफिशियल इन्विटेशन है और या कोई पर्सनल इन्विटेशन है, तो फिर इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये द वर्ड इन्विटेशन लिखना होता है। उसके बाद में ये देखिए कि इसमें पूरे इनविटेशन के लेआउट में आपको कुछ जो शब्द हैं वो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं और कुछ जो शब्द हैं वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो ब्लैक कलर में लिखे गए शब्द हैं, ये बिल्कुल फिक्स रहते हैं। आप चाहें तो इनको फिक्स अपने दिमाग में बिठा सकते हैं और हर फॉर्मल इनविटेशन में इन्हीं चीजों को बेझिझक आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये जो व्हाइट कलर की जो चीजें हैं, जो व्हाइट कलर के जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्हीं के जो आंसर्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम्स ऑफ द पर्सन हु आर इन्वाइटिंग, यानी जो लोग इन्वाइट कर रहे हैं उनके नाम यहाँ लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसेज और मिस्टर शुक्ला अगर अपना कोई इन्विटेशन छपवाना चाहते हैं, तो लिखेंगे मिसेस एंड मिस्टर शुक्ला रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द एस्टीम्ड कंपनी ऑफ, और या कोई और दूसरा भी नाम हो सकता है। अगर ये कोई ऑफिशियल इनविटेशन है, जैसे किसी स्कूल का इनविटेशन है, तो द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ये सब यहां पर लिखा जाता है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द एस्टीम्ड कंपनी ऑफ, ये शब्द बिल्कुल फिक्स रख सकते हैं आप और इनको हर इनविटेशन में आप फिट कर सकते हैं। सेकेंड, नीचे देखिए, नेम्स ऑफ द इनवाइटीज, यानी जिन्हें इनवाइट किया जा रहा है, नेम्स ऑफ द इनवाइटीज, जिन्हें निमंत्रित किया जा रहा है, जिन्हें इनविटेशन दिया जाना है, उनका नाम यहाँ लिखा जाता है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, अब ये वाली लैंग्वेज भी बिल्कुल फिक्स रहती है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, आप इसी लैंग्वेज का वापस यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है नेम ऑफ द ओकेजन, ये फिर हमें चेंज करना पड़ता है। अब ये नेम ऑफ द ओकेजन कुछ भी हो सकता है। अगर कोई जैसे ऑफिशियल इनविटेशन है, तो ये किसी का रिटायरमेंट फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी का स्कूल का कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन हो सकता है, और यदि ये कोई पर्सनल है, तो यहाँ पर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है। ऑन ये फिक्स रहेगा, यहाँ पर डेट लिखना है, एट लिखना है, डेट यानी जिस दिन होने जा रहा है, एट के बाद में आपको टाइम लिखना है, फिर एट के बाद में फिर वेन्यू लिखना है। ये एट और ऑन भी बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इन्हें भी ब्लैक फॉन्ट में ही होना चाहिए था इस समय। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए आरएसवीपी लिखा हुआ होता है। आरएसवीपी ये एड्रेस ऑफ द पर्सन, यानी उस व्यक्ति का एड्रेस होता है जो इन्वाइट कर रहा होता है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। और ये आरएसवीपी का मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। और ये जो उधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, ये है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और ये थोड़ा फ्रॉम उधर चला गया है, जबकि इधर ही होना चाहिए विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम। और नीचे जो है सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं यही राइट हैंड साइड में। ये फैमिली और मेंबर्स उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है लेआउट में प्रॉब्लम के कारण। तो ये होता है पूरा फॉर्मल इन्विटेशन का एक फॉर्मेट होता है। अगर इसमें जो ब्लैक फॉन्ट में लिखे हुए शब्द हैं, अगर आप उनको अच्छे से लर्न कर लें, तो आपको ज्यादा परेशानी इसमें फॉर्मल इनविटेशन को बनाने में नहीं आएगी। चलिए आगे वाले इसमें स्लाइड में चलते हैं। ये आपको एक सैंपल दिया हुआ है, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपने एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए पेरेंट्स को इनवाइट किया है। तो देखिए, द प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ऊपर सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर वर्ड इनविटेशन लिखा हुआ है, फिर द प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द एस्टीम्ड कंपनी ऑफ मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा, फादर ऑफ सुनील शर्मा, क्लास सेवंथ, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन सो एंड सो डेट एट स्कूल प्रेमिसेस एट 7 PM। और उसके बाद में
ये देखिए आप नीचे आरएसवीपी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल डीपीएस अजमेर। तो ये तो एक ऑफिशियल फॉर्मल इनविटेशन हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें एक पर्सनल इनविटेशन की, तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिखा हुआ है, बस सीधा स्टार्ट किया गया है इनविटेशन वर्ड लिख के, और उसके बाद में मिसेज एंड मिस्टर गांधी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द एस्टीम्ड कंपनी ऑफ मिसेज एंड मिस्टर दिनेश शर्मा ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर डॉटर ऑन सो एंड सो डेट एट होटल राजपुताना एट 7 PM। फिर इधर देखिए आरएसवीपी लिखा हुआ है, आरएसवीपी में नाम लिखा हुआ है मिस्टर कर्मवीर गांधी मानसरोवर अजमेर, और ये विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, ये फ्रॉम इस तरफ आना चाहिए, और ये राधा अनुराधा फैमिली मेंबर्स के नाम हो सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इनफॉर्मल इनविटेशंस की तरफ चलते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशंस जो होते हैं वो लेटर्स के रूप में लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे एक छोटा सा इनफॉर्मल लेटर लिखा हुआ है, जिससे यही करमवीर गांधी जी अगर फॉर्मल इनविटेशन ना देकर इन्हीं मिस्टर शर्मा को अगर इनफॉर्मल इनविटेशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। सबसे ऊपर सेल्फ एड्रेस यानी लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है, और उसके बाद में सीधा सैल्यूटेशन शुरू हो जाता है, डियर मिस्टर शर्मा। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं, उसी तरह से उसी तरह की लैंग्वेज होती है इसकी। जैसे वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ दीपिकाज थर्ड बर्थडे सेलिब्रेशन, इसकी जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा ही होती है। टू बी हेल्ड एट होटल राजपुताना ऑन सो एंड सो डेट एट 7 PM काइंडली ज्वाइन द सेलिब्रेशन टू ब्लेस हर, योर प्रेजेंस विल बी ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर अस, थैंक यू करमवीर गांधी। सो इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो होते हैं वो लेटर्स के रूप में लिखे जाते हैं, जबकि फॉर्मल इन्विटेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तय होता है, उसी तय के उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस में डिफरेंस होता है। जनरली एग्जाम में फॉर्मल इन्विटेशंस पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डीके इंग्लिश पाठशाला, और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं इन्विटेशंस के रिप्लाई कैसे लिखे जाते हैं। थैंक यू अगेन।